Hello children, welcome back you all. Today I am taking you to the world of birds. आज मैं सीमा बजाज आपको पक्षियों की दुनिया में लेकर जा रही हूँ जिसके बारे में हम पढ़ेंगे. फ्लाइटलेस बर्ड्स. फ्लाइटलेस बर्ड्स आर बर्ड्स दैट हैव इवॉल्व्ड एन इनएबिलिटी टू फ्लाई. दे ऑलवेज वॉक और रन, स्विम एंड यूज देयर स्मॉल विंग्स फॉर बैलेंसिंग themselves. दे आर also कॉल्ड रेटिटेट्स. रेटिटेट्स means जो बहुत लार्ज होते हैं और जिनकी लेग्स लॉन्ग होती हैं. इनएसेसिबल आइलैंड रेल इज द स्मॉलेस्ट फ्लाइटलेस बर्ड इन द वर्ल्ड. तो ये जो हमारे सामने आज बर्ड्स हैं, आज हम इनके बारे में पढ़ेंगे. तो सबसे पहले हम बात करेंगे काकापो की. KAKAPO. आइए जानते हैं इसमें ऐसी क्या खासियत है. इट इज नोन एज आउल नाइट पैरट. दीज आर मोस्टली फाउंड इन न्यूजीलैंड. काकापो, कोल्ड फिश, माउथ आइसलैंड व लिटिल बैरियर आइसलैंड पर ये मिलते हैं. देयर लाइफ स्पैन इज अप टू 95 ईयर्स. देयर हैबिटेट हैज बीन डिस्ट्रॉयड ड्यू टू द डिस्ट्रक्शन ऑफ फॉरेस्ट एंड देयर नंबर हैज डिक्रीज ड्यू टू पेस्टिसाइड्स. आगे हम बात करेंगे पेंगुइन के बारे में. द पेंगुइन इज फाउंड ऑन द आइलैंड ऑफ एंटार्क्टिका. इट कैन नॉट फ्लाई. पेंगुइन कैन फाइंड फिश इन साइड द वॉटर फॉर अप टू 7 मिनट्स. डू यू नो एन अडल्ट पेंगुइन कैन गो इन टू द वॉटर 450 times a day for its prey. Next देखते हैं रिया. RHEA. This is also the largest bird of South America, which is unable to fly. इसकी जो लंबाई होती है वो 4.1 feet से 4.5 feet तक की होती है और इसका जो वेट होता है वो 27 kg के करीब होता है. There are two types of this species. इन समर सीजन दे फॉल इन टू अ ग्रुप जिसे हम फ्लॉक्स कहते हैं. देयर लाइफ स्पैन इज एज्यूम टू बी 15 ईयर्स. दे रन एट अ स्पीड ऑफ 7 किलोमीटर्स. आइए नेक्स्ट के बारे में देखते हैं ताका. दिस बर्ड इज फाउंड ऑन द सदर्न आइलैंड. इट वॉज डिस्कवर्ड इन 1948. पंख होने के बावजूद भी ये बर्ड भी उड़ने में सक्षम नहीं होता. ताका स्पेलिंग लिखिए TAKAHE. नेक्स्ट बात करेंगे हम ऑस्ट्रिच. ऑस्ट्रिच के बारे में तो आप सभी जानते ही होंगे. इट इज द लार्जेस्ट बर्ड इन द वर्ल्ड विच इज अनेबल टू फ्लाई. इट इज फाउंड इन एरियाज अराउंड अफ्रीका. इट्स विंग्स आर वेरी स्ट्रॉन्ग बट डू नॉट हेल्प इन फ्लाइंग. इट्स विंग्स हेल्प इन समर एंड विंटर. गर्मियों में तो ये इन्हीं पंखों को फैलाकर हवा करते हैं और सर्दियों में अपने आप को गर्म रखने के लिए अपने पैरों के ऊपर अपने पंखों को फैला लेते हैं. इट कैन रन अप टू 50 miles इन 1 hour. मेल्स आर वाइट एंड ब्लैक. द कलर ऑफ द फीमेल ऑस्ट्रिच इज डल यानी ग्रे कलर. देयर लेग्स आर लॉन्ग बट देयर आईज लाइक बटन्स. बहुत ही छोटी बटन्स की तरह इनकी आईज होती हैं. और जो फीमेल ऑस्ट्रिच फीमेल ऑस्ट्रिच लेज 20 eggs एट अ टाइम. दीज एग्स आर गार्डेड बाय अ मेल ऑस्ट्रिच और एनिमीज से अपने अंडे बचाने के लिए ये अपनी जान भी लगा देते हैं. एंड वन मोर थिंग, ऑन सीइंग द डेंजर दे हाइड देयर हेड्स इन द सॉइल. इनकी लाइफ जो होती है वो 30 to 70 years तक की हो सकती है. तो ऑस्ट्रिच की स्पेलिंग है OSTRICH. नेक्स्ट पढ़ते हैं मो. MOA. तो जानते हैं मो के बारे में. मो इज ऑल्सो अ फ्लाइटलेस बर्ड हु लिव्ड इन न्यूजीलैंड अंटिल अबाउट 500 years अगो. देयर वर अ स्पेशीज ऑफ दीज एक्सटिंक्ट बर्ड्स. दे लिव ऑन मेनलैंड न्यूजीलैंड and the Great Barrier Islands, where there were trees, shrubs and grasses to eat. It was similar to emu. Their wings were cute but rough. Female moa was generally larger than males. Next one,
कैसो वरी, CASSOWARY, कैसो वरी। जानते हैं कैसोवरी के बारे में। ओस्ट्रिच और एमू के बाद जो थर्ड लार्जेस्ट बर्ड है वो है कैसोवरी। दिस इज ऑस्ट्रेलिया लार्जेस्ट बर्ड। ये भले ही उड़ नहीं सकता बट दे कैन स्विम। ओनली 3 स्पेशीज हैव बीन फाउंड बट इट मोस्टली ईट्स क्रीपिंग इंसेक्ट्स, फिश, रैट एटसेट्रा। द स्पेशल थिंग इज दैट बनाना एंड एप्पल आर स्वेलोड होल। दे आर क्वाइट शाई बट यदि इसके साथ छेड़छाड़ की जाए तो ये भी अटैक करने में पीछे नहीं हटता। दे रैन एट अ स्पीड ऑफ 50 किलोमीटर पर आवर इवन इन डेंस फॉरेस्ट। बताने के लिए बहुत कुछ है लेकिन आप बोरियत फील करेंगे इसलिए हम बढ़ते हैं आगे इन एसेसिबल रेल के बारे में पढ़ते हैं। इट इज अ स्मॉल बर्ड ऑफ रेल फैमिली। स्पेलिंग लिख लीजिए INASSIBLE इन एसेसिबल रे। इट इज अ स्मॉल बर्ड ऑफ रेल फैमिली। इट्स फैमिली नेम इज रेलेडियर RALLIDAE। इट इज ऑल्सो फ्लाइटलेस बर्ड। इन एसेसिबल आईलैंड रेल हैज ब्राउन प्लूमेज, ब्लैक बिल एंड फीट एंड अडल्ट हैव अ रेड आई। दे फीड वराइटी ऑफ इनवर्टिब्रेट्स यानी कि ये ऐसे मच्छर और प्लांट्स को खाते हैं, छोटे छोटे प्लांट्स को और ऐसे मच्छर को खाते हैं जिन्हें हम देख भी नहीं सकते। नेक्स्ट देखते हैं एमू। दिस बर्ड इज फ्रॉम ऑस्ट्रेलिया, द सेकेंड लार्जेस्ट बर्ड आफ्टर द ऑस्ट्रिच। इट इज अ हैवी बर्ड। ये हैवी तो होते हैं बट ये फुर्तीले भी होते हैं और इसमें मुख्य बात ये होती है कि ये जो मेल मेल होते हैं जो बर्ड और या मेल हो या फीमेल हो, ये जो इनकी गर्दन में एक विचित्र बात होती है कि इनकी गर्दन में एक थैली होती है जिसमें ये हवा भर लेते हैं और डिफरेंट टाइप्स की आवाज़ निकालते हैं। इट्स लेग्स आर स्ट्रॉन्ग एंड पावरफुल एंड एज डेंजरस एज द ऑस्ट्रिच। इट ईट्स स्मॉल इंसेक्ट्स with grass, chaff, flowers, wild flora. But mice and lizards are their favorite food. Male emu अपने बच्चों का पोषण तब तक करते हैं जब तक कि वे अपने independent ना बन जाए। Next and last पढ़ते हैं kiwi. 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 Kiwi is the smallest bird. It is the national bird of New Zealand. It had a long beak and the nose is at the tip of the beak with the help of which they eat this food. It had a very small eye. देख रहे होंगे आप कितनी छोटी सी इसकी आईज है। It eats both meat and plants. इसकी जो ऊंचाई होती है वो 20 inch और जो इसका वेट होता है वो 2.2 pound तक होता है। कीवी भी एक अलग तरह के वातावरण में रहता है। तो बच्चों ये मैंने आपको फ्लाइटलेट्स बर्ड्स के बारे में कुछ जानकारी दी है। आशा करती हूँ कि आप सभी को इंटरेस्ट आया होगा। आप और भी नॉलेज गेन कर सकते हैं नेट के थ्रू क्योंकि नॉलेज तो जितनी भी गेन करेंगे उतनी थोड़ी है लेकिन थोड़ी थोड़ी मैंने आपको इन सब के बारे में बताई है। ओके चिल्ड्रन, थैंक यू, बाय बाय।